हैं, स्केलेटन बोन्स हैं, जॉइंट्स हैं, लिगामेंट है, कार्टिलेजेस हैं, और क्या है, टिश्यूज हैं, है? तो बेटे आदमियों का बाहर होता है, रिब केज पकड़ के अंदर टांगना होता है, वो स्केलेटन सिस्टम का पार्ट नहीं है बच्चे। हाँ श्रेया प्लीज गेट अप बेटा, ठीक है। हाँ नॉर्मली क्या क्या होता है, बोन्स हैं, जॉइंट्स हैं, मसल्स हैं, कार्टिलेज उनको जॉइंट करने के लिए लिगामेंट्स हैं, टिश्यूज हैं, ठीक है। ये चीजें पता चल गई स्केलेटन सिस्टम में। हमारे इसमें मसल्स जो हैं, मसल्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है ना। बॉडी की अपर लेयर अगर हम रिमूव करते हैं तो उसके नीचे जो फ्लैशी चीजें होती हैं, दैट इज अ नेटवर्क ऑफ मसल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स। जैसे कि हमें पता है कि तीन टाइप के मसल्स हैं, टाइप्स जो हैं वो थ्री हैं, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड कार्डियक मसल्स, ठीक है। अब है विच इज द हार्डेस्ट मसल्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में सबसे हार्ड मसल कौन सी है, ये तो तुम्हें बताना पड़ेगा, अब सोचो। है बेटा, दैट इज अ बोन, मसल पूछो। हाँ जी, दोस्त हुआ प्रेजेंट, उदयवीर सिंह। इनमें से ऐसे बच्चे हैं जो पेपर नहीं देते हैं, ये सारे हैं गर्व। एक दर्शन दिए थे उदयवीर, फर्स्ट डे आई थिंक ज्वाइनिंग, वो भी नहीं हुआ उस अभी तक, फिर चला गया है ना। यस, सबसे हार्डेस्ट मसल्स कौन से हैं? बैक, यही तो मैंने पूछना है। एक और ट्राई दे देते हैं, उसके बाद बता देंगे कौन सी है। क्यों भाई, मैंने क्यों ऑप्शन, सबसे हार्डेस्ट मसल हमारी बॉडी में ना, जो का पार्ट, कार्डियक मसल्स जो हैं वो सबसे स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं हमारी बॉडी, सबसे स्ट्रॉन्ग। समझ में आ गया, इतना याद रहेगा बेटा। ये क्या हार्डेस्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कौन सी, स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो कौन सी, कौन से बॉडी पार्ट की जो मसल्स हैं वो सबसे स्ट्रॉन्ग है। हार्ड और स्ट्रॉन्ग में फर्क होता है, पता नहीं, बता दो फिर स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी है। आप बोलो जो बोलना चाहते हो, आई विल आंसर दैट लेटर, डोंट सिंपली वो मत करो, एरो शूट मत करो। इफ यू नो देन इट्स ओके, इफ यू डोंट देन सो इट्स ओके। बायो वाले बच्चे, ये पढ़ाया भी नहीं पढ़ाया या नहीं है ये पार्ट, दिस इज द हार्डेस्ट। जॉ मसल्स जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स, सबसे स्ट्रॉन्ग हमारे जॉस के मसल है। बेयरिंग टेयरिंग ऑफ ऑल द थिंग्स डन बाय, अगर वो टीथ है तो वो कहाँ पे फिक्स है और वो उसके जोर कहाँ पे लगता है, वो मसल्स, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स। हो गया बेटा, क्लैरिटी हो गई। हार्ड और स्ट्रॉन्ग में कंफ्यूज भी मत होना, ठीक है। इक्विलिब्रियम क्या है, व्हाट इज इक्विलिब्रियम है, जोर दी बोल दे, जोर दी बोल, शाबाश। फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पूछ रहे हैं, इक्विलिब्रियम इक्वल रिएक्शन। बेटे तो वॉशरूम में हो क्या, है ना। इक्विलिब्रियम टाइप कहाँ पे आ गई तेरी, बैलेंस तो बैलेंस ही होगा। इक्विलिब्रियम मींस बैलेंस, जहां पर इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स जब दोनों एक दूसरे से कैंसिल होते हैं और बॉडी जो है वो स्टेबल रहती है, या कोई भी चीज स्टेबल है, दैट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम।
और इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी ही नहीं होता, इक्विलिब्रियम ऑफ द माइंड भी होता है. हाउ टू बैलेंस द माइंड ड्यूरिंग द वर्स्ट कंडीशन एंड इन अ गुड कंडीशन. हम नॉर्मली कहते हैं ना, इक्विलिब्रियम का मतलब है हमारा आउटर और इनर दोनों में जब बैलेंसिंग है, या आउटर जब हम शॉर्ट्स देते हैं इनर देते हैं और बैलेंस होगा उसको बोलेंगे हम इक्विलिब्रियम. ठीक है. अब ये कितने टाइप के होते हैं इक्विलिब्रियम कितने? हाँ नहीं, केमिस्ट्री नहीं, फिजिक्स दो ही है इसमें. ठीक है ना, एक है डायनामिक, दूसरा है स्टैटिक. इनका एनी अदर नेम है सर? हाँ स्टेशनरी या, ठीक है ना, स्टेशनरी यानी कि ठहरा हुआ. अब ये क्या है, वाइल डूइंग एनी मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट में जब हम बैलेंसिंग पे लैंडिंग या वहां पर रहते हैं, दैट कम्स अंडर द डायनेमिक वे, मूवेबल कंडीशन में है. ठीक है. स्टैटिक है जब इट इज इन अ रेस्ट पोजिशन और नॉट मूविंग, वहां पर जब है. हम जिम्नास्टिक का इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल ले लेते हैं. नॉर्मली जिम्नास्टिक में क्या करते हैं, समर सॉल्टिंग कर रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, उसके बाद जब हम लैंडिंग करते हैं हॉर्स पोल्ड वॉल से या कहीं से, उसके बाद हमारा नॉर्मल आना वो क्या है, डायनेमिक वे से. ठीक है ना, उसके बाद स्टेबिलिटी है, हमारी बॉडी जो है वो हिलती या गिरती नहीं है, दैट इज द इक्विलिब्रियम डायनेमिक. और बैठकर जब हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं लेकिन प्रॉपर कंडीशन में, उसमें ये ना हो कि हम इम्बैलेंस हो जाए, तो वो क्या आएगा, स्टैटिक पोजीशन. ठीक है, समझ में आ गया. अब एक क्वेश्चन है, ठीक है, बिना सोचे मत बताना श्रिया, बोलना मत. ठीक है, पहाड़ी देशों पर या पहाड़ी प्रदेश में नॉर्मली आप देखे होंगे बेटा कि लोग ना आगे को झुककर, ये क्वेश्चन फिजिक्स में भी तुम्हारे टेंथ में या नाइन्थ में भी होगा, कि आगे को हम झुककर क्यों चलते हैं, बैलेंस, बैलेंस कैसे है, ऐसे करने से भी कई गिर जाते हैं. बैलेंस है तो है, आंसर है, पर नॉट अप्रोप्रिएट कि क्यों हम आगे झुककर ही पहाड़ों. बैलेंस ओके, कैसे करते हैं बैलेंस बेटा? ठीक है ना, अनु सीजी कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, हमारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो इसके कारण. अब एक क्वेश्चन है, तू सोच के बोल, तू है ना. ठीक है, अ फैट पर्सन और अ थिन पर्सन ऑफ अ सेम हाइट, उनका जो स्टेबिलिटी है किसकी ग्रेटर होगी, फैट वाले की? क्यों 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 होगी? तुमने फिजिक्स में शायद ये वाला क्वेश्चन तुमने फिजिक्स में शिप के ऊपर पढ़ा था, पानी में इतनी बड़ी शिप पे ही डूबती है वो, एरिया कवर्ड स्टेबिलिटी इन द सेम वे फैट पर्सन. ठीक है ना, विद द सेम हाइट होने के बाद भी उसमें कंपैरेटिवली स्टेबिलिटी जो है वो चल. ठीक है, ऐसे ही हम स्पोर्ट्स में जब लेते हैं ना बेटा, ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि स्पोर्ट्स में जब हम करते हैं, जैसे लॉन्ग हाई जंप है, ठीक है, फॉसबेरी, डिक फॉसबेरी नाम का एक पर्सन है जिसके हिसाब से हमने लॉन्ग जंप, सॉरी हाई जंप में एक टेक्निक है, वो उसके तरीके से हम लेते हैं, उसको हम फॉसबेरी कहते हैं. ठीक है, फॉसबेरी एफ से है. इसमें क्या है, लैंडिंग करते हुए बेटा नॉर्मली देखो, ये हाई जंप है, ठीक है ना, ये बार लगा है, यहाँ से हम आए यहाँ पर, हम उसके बाद क्रश मैट पे गिरे. ठीक है, कई खड़े हो जाते हैं, कई लेट जाते हैं, या बैलेंसिंग जो है क्रश मैट पे, वो क्या चीज है, स्टेबिलिटी कैसे रखी है मूवमेंट्स की, ये चीजें देखनी हमारे लिए बहुत जरूरी होती है गेम्स में. या आपने कई बार देखा होगा जब शॉट मारता है क्रिकेटर और फील्डर जो है वो उसे हाई हाइट तक जंप लगाकर उसे लेता है, कई बार तो वो स्टेबिलिटी में वहीं पर आके बैक खड़ा हो जाता है, और कई बार क्या होता है उसके गिरने के चांसेस भी. ये क्या है, इक्विलिब्रियम की स्ट्रेटेजी. ठीक है बेटा, ये चीज को हमने हर चीज उसको अलोंग विद द गेम्स करनी ही करनी है. नेक्स्ट है गर्ल स्टैंडिंग इन
स्टैंड एट ईज, वो क्या होता है बेटे? स्टैंड एट ईज क्या होता है? जोर दी बोल। हाँ, स्टैंड एट ईज। मेरे को लगता है मैंने ना सारी उम्र यहाँ पे स्टैंड एट ईज बोला है ना, और अटेंशन बोला है। दैट इज अ वर्ड, स्टैंड एट ईज। एक्चुअल वर्ड इज दैट, उसकी फास्ट जब हम बोलते हैं तो स्टैंड एट ईज बोलते हैं, एट ईज जो है वो एक साथ आता है, स्टैंड एट ईज। और तुम्हें ये पता है कि गर्मियों में स्पेशली बार बार अनाउंस करती थी कि इवन नेशनल एंथम पे भी पैर मत जोड़ो, थोड़ा सा गैप रखो, कीप इट अपार्ट। वाई? टू स्टेबल योर बॉडी, बॉडी को स्टेबल। जब हम पैर जोड़ के खड़े हो जाते हैं और उसके लिए ज्यादा कंसंट्रेशन जब हमारी कहीं और होती है तो हमारे गिरने के चांसेस गर्मियों में ज्यादा होते हैं। जब हम दोनों पैरों पर और डिस्टेंस अगर रख के करेंगे तो हमारे पैरों की या हमारी स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, जिससे चांसेस ऑफ फॉलिंग डाउन इज लेस। ठीक है ना बेटा, ये चीजें नॉर्मल होती है। अब यहाँ पर है कि एक गर्ल या बॉय जो है वो स्टैंड एट ईज पोजिशन पर खड़ा है, ठीक है ना, ऑन वन। अच्छा, और एक एक लेग पे खड़ा है तो स्टेबिलिटी किसकी होगी? वैसे भी नॉर्मली हम देखें तो क्या होगी, एक एक टांग पर खड़ा है बच्चा, एक दोनों टांग पे खड़ा है तो स्टेबिलिटी किसकी होगी? ऑब्वियसली दोनों टांगों वालों की ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वही हिसाब है, अगर सुई पानी में समुन्द्र में डालें तो वो जल्दी हो जाएगी, लेकिन अगर हम शिप को करते हैं तो वो क्यों नहीं, क्योंकि इसमें स्पेस है। सेम है ना, फॉर्मूलाज तो वही चलेंगे इस पे भी, गेम्स के भी, हर चीज पे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसको बोलते हैं वैसे? श्रेया, जैकलीन बताएगी। जैकलीन बेटा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसको बोलते हैं बेटा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है? ये इमेजिनरी लाइन है जो इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी है, जो हमें गिरने से बचाती है। ठीक है बेटा, आपने वो कुएं वाला वो भी देखा है, मोटर बाइक चला रहा है उसमें वो रोटेशन फास्ट ले रहा है या क्या है, वहां पर क्या आती है? वहां पर दो चीजें आती हैं जो आपने पढ़ी है, एक सेंट्रीफ्यूगल और एक सेंट्रीपेटल, पढ़ा है ना, पुशिंग फ्रॉम बोथ द साइड, वो है जो उसको बैलेंस करने में हेल्पफुल। ठीक है ना बेटा? हाँ जी बेटा, वो इस पे के बेटे किसको प्रॉब्लम है बच्चे, बताओ ऑनलाइन। ओके, नाउ द क्वेश्चंस आर देयर, लेट अस डिस्कस। शायद तुम्हारे, मुझे नहीं लगता बुक में होंगे या नहीं होंगे, मुझे नहीं पता, पर हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एनाटॉमी क्या होता है बेटे? Any one of you in a one word, what is anatomy? Only the structure, study of structure of a human body or any living organism, that is a anatomy. Physiology kya hai? Study of the. अब confusion हमेशा बच्चों को रहती है functions और इसमें structure में। स्ट्रक्चर है हमारे शरीर की बनावट, एक मशीन है उसकी बनावट जो है, ठीक है ना। आप अगर, इट्स अ एग्जांपल, डोंट टेक इट इन अ थिंग, मिक्सी है उसकी शेप हम बता सकते हैं, दैट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ, किसने, यहाँ पर बटन है, यहाँ पर ये है, यहाँ पे है, उसका फंक्शन क्या है, जब उसको ऑन करते हैं वो घूमती किस तरीके से है या किस चीज को पीस देती है, कितना है वो, क्या है उसकी, कौन सी चीज क्लिपिंग जो है वो नीचे आ रही है। ये एग्जांपल दे रही हूँ, ये इसके साथ कोरिलेट नहीं, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द थिंग। ठीक है, ऐसे हमारी बॉडी है, दिस इज अ स्ट्रक्चर, कितना लंबा ये छोटा नाटा है ऐसे वैसे, ठीक है। लेकिन फंक्शनिंग जो है वो हार्ट की कैसे है, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, सिस्टम्स ऑफ द बॉडी कैसे काम करते हैं, काम करना जो है उनका, दैट इज अ फंक्शन ऑफ, और वो क्या है उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजी। किनेसियोलॉजी क्या कहते हैं? मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी, मूवमेंट ऑफ द बॉडी जो है किस तरीके से, विद द हेल्प ऑफ बोन्स, जॉइंट्स, मसल्स, वर्किंग ऑफ द हार्ट, वर्किंग ऑफ द लंग्स, लिवर्स, जो है ये सारे उनकी मूवमेंट्स जो है किस तरीके से मूव करते हैं, दैट कम्स अंडर द, किसके अंडर आता है, वो आता है किनेसियोलॉजी। ठीक है, फिर आते हैं सिस्टम्स, सिस्टम को हम फिजियोलॉजी में भी काउंट करते हैं,
यस बेटा, एनीबडी ऑनलाइन, एनी प्रॉब्लम बेटा? अच्छा ठीक है बेटा, मैंने मेरी ड्यूटी है ना पूछना है, इसलिए मैंने पूछा। उसके बाद है सिस्टम्स, इन्हें फिजियोलॉजी में कवर करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारे इंटरनल फंक्शंस पे हैं। नाइन सिस्टम, नाइन के नाइन सिस्टम जो है दैट कम्स अंडर द फिजियोलॉजी, ठीक है। अगर पूछा जाए कि फिजियोलॉजी सिस्टम्स कौन कौन से हमारे हैं, तो दोज आर नाइन, करेक्ट बेटा। उसके बाद है क्वेश्चन कि जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, ठीक है, दे आर थिन एंड कर्व्ड, और हाउ दे आर फॉर्म्ड, कैसी होती हैं, लंबाई में होती है, सिलेंड्रिकल शेप में होती है, रीजन भी उनके अंदर बोन नैरो होती है, ठीक है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू सर्वाइव इसके अंदर, ठीक है, ये चीज याद रखना। थंब के जॉइंट में, थंब का जो जॉइंट है वो कौन सा वाला जॉइंट यहाँ पे यूज होता है, क्या नाम था उसका, थैंक यू, और पाइवेट जड़ा है नेक का, सैडल, घोड़े की काठी जैसे होता है, फिक्स होता है, वो है थंब का, ये याद रखना, ठीक है। हमारी बॉडी में जो है वो थंब का जो जॉइंट है वो सैडल जॉइंट के अंदर आता है, तो इससे बड़ा है छोटा है, मार उसको अच्छे से, ठीक है। अच्छा, बॉडी वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी और नॉट, ह्यूमन बॉडी का जो वेट है इज इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी और नॉट, बॉडी का वेट, मास नहीं बॉडी वेट प्रोपोर्शनल है, तो इसका मीनिंग तो बता फिर मैं तुझे बता, जो मैंने क्वेश्चन पूछा पहले उसका मीनिंग बता दे, मैं तेरे को आंसर। क्यों नहीं है, तेरा वेट कितना है, एक मिनट एक मिनट, तेरा वेट कितना है, तेरी हाइट के अकॉर्डिंग है, ठीक है, ऑब्वियसली प्रोपोर्शनल टू तेरी स्टेबिलिटी अपनी रहेगी। अगर तेरी हाइट बहुत लंबी है, तेरा वेट नहीं है, तेरी स्टेबिलिटी कम होगी। मैंने ये आंसर रादर, मैंने ये एग्जांपल पहले भी दिया था, पहले भी बताया था ये एग्जांपल, ये एग्जांपल पहले भी दिया ना, दिस इज बॉडी वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी, ठीक है। स्मूथ मसल्स कहाँ पर पाए जाते हैं, इंटेस्टाइन में कहाँ पे पाए जाते हैं, इंटेस्टाइन में मिलते हैं स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स कौन से होते हैं पहले तो ये बताओ, स्मूथ मसल्स कौन से हैं, है इंटेस्टाइन में तो होंगे, उन्हें तो सड़े को पूछते नहीं होते, उन्हें तो दिल करता है तो घुमाने के लिए, ठीक है, कंफ्यूजन में मत रहिए। अच्छा, एक है ह्यूमन हार्ट जो है बेटा, उसके बारे में पढ़ा हुआ है ना, कितने चैम्बर्स में डिवाइड है, फोर में है, ठीक है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ओरिकल, ठीक है। अच्छा, इसका मेजर वर्क क्या है, कहाँ से कहाँ तक जाता है, कुछ है आइडिया कैसे वर्किंग करते हैं, बोल। ऐसे रहता यही है ना इसका तरीका जाने का, एथो ऐदा तो नहीं जाना, एथो एथो, हाँ आयोटा इज अ मेन, जहां से वो कहां पर चला जाता है, मैंने हाँ वो बायो वाला है, नॉर्मल जरा फिजिकल वाले बच्चे नु दस रहे हैं वो तरीका दस रहा है कि उन्होंने नाम रटाया आयोटा, तो मुड़ के सारिया चीजा
कोटा हो गई है ना, इस करके यू आर राइट, वो ठीक है वेना में जाना, वहां से आगे जाके फिर। अब ये बताओ कि जो प्योर ब्लड है वो कहाँ पे जाता है, आर्टरीज, क्या आर्टरीज का क्या काम है और वेन्स का क्या काम है, बस इतना दस। आर्टरी की कर दिया बेटे। हाँ अब ये ना नॉर्मली, जैकलिन प्लीज ध्यान दे दे बेटा, नॉर्मल मैं आपको बता, आर्टरीज का ठीक है, सिंपल लैंग्वेज, ए से आर्टरी है, ए से अवयव, सीधा ही आता तो दूसरी ऑब्वियसली जो भी होगी वो ए से आर्टरी, ए से अवयव, अवयव मतलब दूर ले जानी है, यानी कि हार्ट से दूसरी हाँ। हमारे जो लेसन के हमारे हिसाब से या उसमें नॉट इन टू द डीप, वी हैव टू जस्ट कम टू नो कि हाउ दिस वर्क्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या काम होता है, हरमन बताएंगे, हरमन जी आप खड़े होकर बताएंगे या बैठे बैठे बता दीजिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या काम होता है। ध्यान से सुनो, बोल रही है ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, इन एंड आउट। अब प्लीज चार चीजें लिख लो फटाफट कॉपी पे, यू ऑल्सो दोज हु आर ऑनलाइन प्लीज, व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम किसको कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम किसको कहते हैं बेटा, शुक्र है बताया था। फिर क्या होता है, सांस का लेना और छोड़ना जो है, ब्रीदिंग प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड द टाइडल वॉल्यूम, इट इज अ वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज टेकन इन एंड गिविंग, ठीक है ना, और गिवन आउट ड्यूरिंग ब्रीथ, सांस लेते समय सांस का लेना और छोड़ना जो है उसका वॉल्यूम जो है उसे हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, बिल्कुल लिखो फिर, इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर, इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी, तेरी कॉपी कितनी है, लिखना कितने है, कोई कहना भी बेकार, इट इज अ वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रेथ आउट बाय फोर्स, सांस डीप ब्रीथ लो उसके बाद जब हम एकदम छोड़ते हैं ठीक है ना, तो वो जितने प्रेशर से और जितने उससे बाहर आती है उसे हम कहते हैं टाइडल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी। वो रामदेव जी बोलते ना, सांस लो और लो और लो और लो, अब रोको, उसके बाद जब छोड़नी होती है हमें क्या लगता है, या हम वैसे भी नॉर्मली सांस, तो क्या होता है एकदम से हम ब्रेथ आउट करते हैं विद द प्रेशर, एक्सपायरेशन जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, वाइटल कैपेसिटी। हार्ट रेट क्या है, व्हाट इज हार्ट रेट, कितना होता है नॉर्मल ह्यूमन बींग का, कितना है 72, ठीक है ना, चलो फिर इसका लिखो, हार्ट रेट इज द नंबर ऑफ टाइम्स अ हार्ट बीट पर मिनट, एक मिनट में जितनी बार सांस हम हमारा सांस ली जाती है, इन एंड आउट जो होती है ब्रेथ, तो उसको हम क्या कहते हैं, हार्ट रेट। नॉर्मल पर्सन की जो है वो 72 होती है, उससे ज्यादा जब बढ़ जाती है तब कहते हैं टेम्परेचर चेक करो, इसका कहते हैं ना बेटा, या लो हो जाए तो टेम्परेचर है, टेम्परेचर भी चेक करते हैं। नेक्स्ट इज, अब ध्यान से सुनना, व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम एंड व्हाट इज कार्डियक आउटपुट, ये फिजिकल एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम एंड व्हाट इज कार्डियक आउटपुट,
क्या होगा, कभी सुना है ये दोनों चीजें? नहीं सुना, लिख लो फिर. इट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप आउट इट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप आउट बाय हार्ट, बाय हार्ट इन वन स्ट्रोक, इन सिंगल स्ट्रोक, या हम सिंगल बीट में बोलते हैं, जो स्ट्रोक का मतलब है सिंगल, एक बार में, ठीक है, इन वन स्ट्रोक, सिंगल स्ट्रोक, स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं एक. अब कार्डियक आउटपुट क्या है? नॉर्मली बच्चे जो है या आम हम कंफ्यूज हो जाते हैं. कार्डियक आउटपुट क्या है? इट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप आउट बाय हार्ट इन वन मिनट. कार्डियक आउटपुट हमारी रहेगी एक मिनट के. स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब स्ट्रोक, एक एक बीट, सिंगल बीट पे, एक सिंगल स्ट्रोक पे जो करना हो सकता है. कंफ्यूजन तो नहीं होगी इसकी, ठीक है, समझ में आ गया इतना? ये नॉर्मली रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ जितने भी थे, मैंने वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ रिलेटेड जो चीजें थी वो तुम्हें बताई हूँ. दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा. कल तुम्हारा टेस्ट है. उदयवीर इज ही प्रेजेंट? उदयवीर इज प्रेजेंट, प्लीज गिव द आंसर. उदयवीर आर यू प्रेजेंट बेटा?